नमस्कार दोस्तों, जब भी हम फ्लेक्स इंस्टॉल करते हैं तो जब एडिट सेटअप में जाते हैं और विनाइल कटर में हम ऑप्शन को चेक करते हैं तो हमें रेड सेल का मैन्युफैक्चर नहीं मिलता है। तो ये जो रेड सेल का मैन्युफैक्चर CSM फाइल होती है वो इसमें डाली हुई नहीं रहती है, इसलिए हमारे को अलग से इसमें कॉपी करनी पड़ती है। इसलिए मैंने पहले से ही फोल्डर में रेड सेल का CSM फाइल डाली हुई है, तो मैंने यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको सी ड्राइवर में प्रोग्राम फाइल में जाकर फ्लेक्सी पे जाकर आउटपुट ड्राइवर में पेस्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू करेंगे और ये पेस्ट हो गई। अब हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल एल करेंगे, विनाइल कटर को सेलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल नीचे करेंगे, यहाँ पे हमें देख रहे हैं रेड सेल टैग, इसको करें नेक्स्ट करेंगे, दोबारा नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए पोर्ट कौन सा है, इसके लिए हम जाएंगे माई कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर है, इसको ओके करेंगे। थोड़ा बिजी है। और यहाँ पे पोर्ट को ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन पोर्ट COM1 लिखा हुआ है, क्योंकि जो मैंने मशीन है वो COM1 से जुड़ी हुई है, अगर USB से जुड़ी हुई होती तो USB लिखा हुआ आता। तो यहाँ पे COM1 सेलेक्ट करेंगे, ओके, ये बिट्स 9600 ये सही है और फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसको मिनिमाइज करेंगे, ये सीधा किया। अभी जो फाइल है इसको सेंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो मशीन है ये थोड़ी रुक रुक कर चल रही है, ये देखिए रुक गई, रुबार चलने लग गई। इस तरह से रुक रुक कर अगर मशीन चलती है तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ अभी आपको। इसका सॉल्यूशन आसान है, हम दोबारा से फ्लेक्सी खोलेंगे, कंट्रोल एल करेंगे और प्रॉपर्टीज क्लिक करेंगे, कॉम को यहाँ पे हार्डवेयर की जगह अपन करेंगे XON XOFF, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, मिनिमाइज करेंगे, ये सेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि मशीन सेंड करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो मशीन है ये बराबर से कटिंग कर रही है, न तो रुक रुक कर चलेगी, एकदम से जो स्मूथ चलेगी। देखिए तो ये, अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय और कमेंट मेरे को सेंड करिए, आगे भी इस तरह की मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।